आप कैसे हैं? आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। हिस्टोरिका ऑनलाइन यूट्यूब में मैं विजय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग चंद्रयान टू की। चंद्रयान टू की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान टू की बात करेंगे तो यहीं पे लगे आंख हम लोग भी देख लेते हैं। चंद्रयान वन एक्चुअली क्या हुआ, 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान पे मिशन भेजा जाना था, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 15 को ये रॉन्ग करके कर दिया गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान पे ये भेजा गया, चंद्रयान को भेजा गया। साथ में जब ये चंद्रयान टू जब भेजा गया तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ से कि ये जो चीज है सतीश धावन स्पेस सेंटर, सतीश धावन स्पेस सेंटर से एक्चुअली ये लॉन्च हुआ। जब सतीश धावन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। ये किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट में है किस सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्री हरिकोटा। और ये जो पड़ता है किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ये आप चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रयान टू किस डेट को लॉन्च हुआ, 22 जुलाई 2019 को, फिर किस जगह से किया गया? सतीश धावन स्पेस सेंटर से। अब ये सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया। जब चंद्रयान टू की बात करते हैं तो चंद्रयान वन भी तो लॉन्च हुआ होगा, तो यहीं पे आप लिख लीजिएगा चंद्रयान वन जो लॉन्चिंग हुआ था विच ईयर 2008। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान वन जो है किस साल लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सेटेलाइट है ये जो भेजा गया है पर्टिकुलर किसी चीज से भेजा गया होगा, उसका नाम क्या है? GSLV मार्क 3 MK3 GSLV Mark 3 से ये क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म कि GSLV क्या होता है। GSLV होता है एक्चुअली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब GSLV का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 से ये प्रक्षेपित किया गया है। सेकंड चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा चंद्रयान टू जो है ये अगर जब ये किसके इस समय जब चंद्रयान टू लॉन्च किया गया था तो इस समय इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के जो चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है K. Sivan। इट मीन्स चंद्रयान टू जब लॉन्च किया गया तब उससे इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन का नाम है K. Sivan। ठीक, और फिर उसके बाद ये बात किसकी हो रही है? चंद्रयान टू की बात हो रही है जिसमें इसरो के चेयरमैन K. Sivan तो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं चंद्रयान वन की बात करते हैं तो उस समय इसरो के चेयरमैन का नाम एक्चुअली क्या होता है? जब टू का पूछा जाएगा तो इसका मतलब आपको वन का भी तो पता होना चाहिए, तो वन का चेयरमैन का नाम है आर माधवन नायर। ये
ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इसरो के जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो उसके इसरो के चेयरमैन कौन थे? आर माधवन लायन। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान टू जो लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 से तो लॉन्च हुआ था। और अगर हम बात करते हैं ये क्या हुआ, कहां से, किसकी सहायता से, इससे, अब यही जब इसरो चंद्रयान वन जो लॉन्च हुआ था ये भी तो कहीं से किया गया होगा, तो जो लॉन्च किया गया था वो क्या था, PSLV C11, ये आपसे प्रक्षेपित किया गया था। मतलब इट मीन्स आई मीन टू से दैट कि चंद्रयान टू को जो प्रक्षेपण किया गया था जो यान था वो था GSLV Mark 3। और चंद्रयान वन की जब बात करते हैं तो PSLV C11 यान से प्रक्षेपित किया गया। तो क्वेश्चन भी पूछ लेगा PSLV का फुल फॉर्म, PSLV का फुल फॉर्म लिखेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च विकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च विकेट, PSLV का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मिशन चंद्रयान पे जब हम जा रहे हैं तो इनका कुछ एम होगा, तो एम होगा उसमें से सबसे तीन बातें जो इम्पोर्टेंट है, भाई हम ये यान भेज रहे हैं तो किस लिए भेज रहे हैं, मतलब हमें चंद्रमा पे पता लगाना है वहाँ पे कुछ मिनरल्स है कि नहीं है, इसकी ऊपरी जो अपर लेयर है वहाँ पे कुछ पता करना, उसके बाद जल की उपस्थिति का प्रेजेंट लगाना कि जल है या नहीं। पहला लिखेंगे जल की उपस्थिति का पता लगाना, जल की उपस्थिति का पता लगाना। सेकेंड पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा के ऊपरी सतह का, चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना, चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना। और थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे चट्टानों में खनिज पदार्थों, थर्ड पॉइंट है चट्टानों में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ मतलब कि कौन सा रॉक में, कौन से पत्थर में, कौन सा मिनरल्स है, ये चीज पता लगाने के लिए हमने चंद्रयान टू का प्रक्षेपण किया। किस यान से किया? GSLV से, MK3 से किया। कहाँ से किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि पड़ता है हरिद्वार, जो कि पड़ता है कहाँ, श्री हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली जो चंद्रयान टू है इसके तीन पार्ट है, इसके तीन पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो ऑर्बिटर, सेकंड जो पहला ऑर्बिटर पार्ट है वो, दूसरा क्या है, लैंडर। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रोवर। चंद्रयान टू के तीन पार्ट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंपल सा नाम में पूछेगा चंद्रयान टू के कितने पार्ट्स हैं, वो तीन पार्ट्स हैं, ठीक। अब ये जो मिशन चंद्रयान टू है, ये जो मिशन चंद्रयान टू है, मिशन चंद्रयान टू है, इसमें अब इसमें जो है लैंडर का दूसरा नाम क्या होगा, लैंडर का दूसरा नाम है विक्रम। लैंडर इज आल्सो कॉल्ड विक्रम, इट मीन्स लैंडर को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, विक्रम। अच्छा फिर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्चुअली विक्रम इनका नाम क्यों रखा गया, कोई रीजन होगा ना। एक्चुअली हमारे इंडिया में एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई, ये एक साइंटिस्ट है जो कि क्या है, इसरो के फाउंडर है। सेकेंड चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विक्रम सारा भाई है, फिर क्वेश्चन पूछेगा इनका होम टाउन, इनका जो है पूछेगा जयंती किस डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 अगस्त। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा कि विक्रम सारा भाई का जो जन्मदिन मनाया जाता है किस डेट को मनाया जाता है, यह ध्यान रखें।
का 12 अगस्त को मनाया जाता है, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको ये नहीं पता होगा कि विक्रम सारा भाई का जो जन्मदिन तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। क्योंकि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को दे दिया कि इंटरनेशनल यूथ डे किस डेट में मनाया जाता है और साथ में इसमें किस वैज्ञानिक का जन्मदिन भी मनाया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को है ही है, साथ में वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्मदिन मनाया जाता है। ये दो पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। अक्सर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय यूथ डे तो 12 अगस्त को है तो नेशनल यूथ डे भी तो होगा, वो नेशनल नेशनल यूथ डे ये जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होएगा कि नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड चीज, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, आपको पता चल गया लैंडर का दूसरा नाम क्या है, विक्रम। अब विक्रम साराभाई का जन्मदिन ये और उसके बाद तीस बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर लैंडर की बात के बाद अगर आप अगला चलते हैं रोवर, रोवर इज आल्सो कॉल्ड प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब सीधा से क्वेश्चन पूछेगा कि रोवर का दूसरा नाम क्या है, वो है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब, प्रज्ञान एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है बहुत सारा ज्ञान। तो आपको पता चल गया कि ऑर्बिटर, सेकंड लैंडर और थर्ड रोवर, इसके तीन पार्ट हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, जो लैंडर है इसको विक्रम बोला जाता है, लैंडर को विक्रम भी बोला जाता है और रोवर को प्रज्ञान बोला जाता है। फिर यहाँ पे बात खत्म हो गई, ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि साउथ पोल पे, साउथ पोल मतलब साउथ पोल पे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचने वाला भारत किस नंबर का कंट्री होगा वर्ल्ड में, तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर का। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चंद्रयान 2 पे पहुंचने वाला ये भारत चौथा देश है, लेकिन अगर पूछेगा साउथ पोल पे पहुंचने वाला कौन सा होगा, वर्ल्ड में कौन किस नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे, ठीक। फिर उसके बाद अब पूछेगा कि चंद्रयान टू पर पहुंचने वाला भारत किस नंबर का देश होगा वर्ल्ड में, मतलब विश्व में किस नंबर का होगा, वो होगा फोर्थ नंबर का। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर साफ साफ आप मेंशन करिएगा चंद्रयान 2 पे पहुंचने वाला तो फोर्थ नंबर होगा भारत, ठीक। अगर साउथ पोल पे पूछता है तो किस नंबर का होगा, वो फर्स्ट नंबर पे होगा, ठीक। अगर फिर यहाँ से बात करते हैं, जब ये फोर्थ नंबर का है तो इसका मतलब पहले भी तो होगा, पहला हमारा आता है रशिया और सेकेंड नंबर से आता है रशिया से हमारा, फिर रशिया से सेकेंड नंबर पे आएगा यूएसए और यूएसए के बाद कौन सा थर्ड नंबर हमारा आएगा चाइना और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा इंडिया, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछता चंद्रयान 2 तो फोर्थ नंबर पे पहुंचने वाला, अब अगर साउथ पोल की बात करें तो नंबर 1 पे हो गया। क्वेश्चन का फ्रेम
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि जब मैंने बोला चंद्रयान 2 पे पहुंचने वाला देश भारत चौथे नंबर का तो होगा, लेकिन अगर जो पहला देश आपने बोला था कि बोलोगे सर रशिया जो था, और सेकेंड नंबर हमारा यूएसए भी था, और थर्ड नंबर हमारा चाइना था, और फोर्थ नंबर हमारा इंडिया था। फिर यहीं से कभी कभी पूछ लेता है रशिया, रशिया की कैपिटल, रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, रशिया की कैपिटल तो मॉस्को है, और रशिया की जो करेंसी है ये इम्पोर्टेंट है फॉर एयरफोर्स वालों के लिए कि रशिया की करेंसी क्या होगी, वो होगी रूबल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रशिया की करेंसी क्या होगी, रूबल। सेकेंड चीज, यूएसए के अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट तो सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो यूएसए के प्रेसिडेंट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट हमारे आएंगे माइक पेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर में होते हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या है, फॉरेन मिनिस्टर ये क्या है, माइक पेंस है, माइक पोपियो। ठीक, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भारत में जो अंतरिक्ष मंत्रालय है वो किसके पास है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। तो हमारे दिमाग में एक बात आई थी, या तो ये विपक्ष वालों के पास होगा या इसरो के पास होगा। अब ये पूछा कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, ऑप्शन ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, और सी ऑप्शन की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और डी ऑप्शन की बात करते हैं हम पार्लियामेंट। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय ये जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी के पास है, ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि कभी कभी पूछ लेगा ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। ठीक, अच्छा, फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि इसरो लगातार, इसरो ने चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया, तो जब बात करते हैं इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट 1968, ये आप ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट 1968, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेंगलोर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके जो चेयरमैन, क्योंकि लगातार ये न्यूज में आ रहे हैं, इसके चेयरमैन का नाम है के, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, इसके चेयरमैन का नाम के सिवान, ये भी आपको पता है, बट एक बार अगर दोबारा ध्यान से देखेंगे तो आसारा आपके माइंड में क्या होगा, वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ तक तो बात खत्म हो, अब अगर इसी में हम चंद्रयान 2 में थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से कितने गुना है, तो यह आप लिखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल, यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल है ये पृथ्वी की ओर कितना, पृथ्वी का कितना गुना है, पृथ्वी का कितना गुना है, पृथ्वी का कितना गुना है, तो रहेगा 1/6, वो सॉरी 1/6, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन साफ साफ पूछेगा कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल है वो पृथ्वी का कितने गुना होता है, वो होता है 1/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छा इसका क्वेश्चन बनकर ऐसे पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, ऑप्शन ए देगा 1/3, बी ऑप्शन 1/6, सी ऑप्शन 1/81 और डी ऑप्शन 1/6, तो हमारा आंसर रहेगा 1/6। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक, अच्छा अब कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा यदि अगर हम चंद्रमा पे कुछ चीज बम विस्फोट करते हैं या किसी चीज की बमबारी कराते हैं तो क्या उसका असर पृथ्वी पे सुनाई देगा, उसका असर पृथ्वी पे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसका असर पृथ्वी पे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान मतलब मास, यह आप ध्यान रखिएगा। टोटल 1/81, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की अपेक्षा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, है द्रव्यमान मतलब 1/81 गुना है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, चंद्रयान 2 का टोटल वेट पूछेगा कि चंद्रयान 2 का टोटल वेट कितना है, मतलब मिशन चंद्रयान जो लॉन्च किया गया है उसका कुल वजन कितना है, कुल वजन 3840 kg किलोग्राम, चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 2 का टोटल वेट, टोटल वेट ये आप ध्यान रखिएगा, टोटल वेट कितना है 3840 kg, ये आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 2 का वेट कितना है। फिर अगर बात करते हैं, अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली क्या हुआ, चंद्रयान 2 पे कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा, तो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन पूछेगा चंद्रयान 2 को, चंद्रयान, चंद्रयान 2 को बनाने, चंद्रयान 2 को बनाने में कुल कितने करोड़ रुपए पैसे खर्च हुए, पैसे खर्च हुए। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा एयरफोर्स वालों के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, या अदर कम्पिटिटर, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान 2 बनाने में कितना पैसा लगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा 978 crore, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कितना पैसा लगा, ये ध्यान रखिएगा 978 crore रुपए लगे। ठीक, अब जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, तो इसमें जो लेडी का कंटिन्यू नाम है, आपको कंटिन्यू से क्वेश्चन पूछेगा, एक होते हैं मिशन डायरेक्टर, मिशन
डायरेक्टर और सेकंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें दो लेडीज है, दो महिला है जिनका सबसे बड़ा योगदान है, तो उनमें से दो लोग हैं, एक मिशन डायरेक्टर है एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा मिशन चंद्रयान टू में, मिशन चंद्रयान टू में, मिशन चंद्रयान टू में मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो यह आप ध्यान रखिएगा, रितु करी धाल को, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपका इम्पोर्टेंट है कि मिशन चंद्रयान टू जो है उसमें जो मिशन डायरेक्टर किसे बनाया गया है, रितु करी धाल को तो बनाया गया है ठीक, रितु करी धाल को बनाया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यही पे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो इनका नाम है एम वनीता को क्या बनाया गया है, ये लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है। दो चीज आपको पता हो गई, मतलब मिशन चंद्रयान टू में ये चीज है, मिशन डायरेक्टर पर ये है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मैं बार बार इस पर इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मिशन डायरेक्टर ये है कि वो है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए ठीक। उसके बाद अब अगर यही से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कि क्वेश्चन पूछेगा कि राकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ऑप्शन ए है कि रितु करी धाल को, बी ऑप्शन आपका दे दिया एम वनीता को, सी ऑप्शन दे दिया बोध को, बोध मतलब ए एंड बी आर बोध, और डी ऑप्शन दे दिया नाउन और डीज एवर। तो जनरली आप क्या करेंगे कि जब दो लेडीजे हैं तो उनको सीधा सोचेंगे कि बोध ए और बी आंसर होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। इसमें साफ साफ बोला है कि रितु करी धाल को राकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा, राकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, रितु करी धाल को बोला जाता है। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब अगर हम बात करते हैं राकेट मैन ऑफ इंडिया, राकेट मैन ऑफ इंडिया ये किसको बोला जाता है, तो कुछ लोगों को दिमाग में आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन पहले करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है, जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि राकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो इसमें ऑप्शन देगा ए ऑप्शन आपको दे दिया के सिवान, या इसका फ्रेम क्वेश्चन का ऐसे होगा इसरो के चेयर। सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया डीआरडीओ के चेयरमैन, और सी ऑप्शन दे दिया ए पी जे अब्दुल कलाम, तो और डी ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दीज एबव, ये दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इसरो के चेयरमैन। ये मत भी कर दीजिएगा कि राकेट मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को तो क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन बोला जाता है,
मिसाइल मैन। बट क्वेश्चन क्या है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मतलब आपको पूरी तरह ट्रांसपेरेंट की तरह क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है, इसरो के चेयरमैन है। और इसरो के चेयरमैन आप लोगों को पता है, इतनी बार रिपीट हो गया है, वो के सिवान है, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन बोला जाता है, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इसरो के चेयरमैन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। ठीक, सी ऑफ क्वालिटी, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सी ऑफ क्वालिटी ये क्या होता है, सी ऑफ क्वालिटी किसे बोला जाता है, सी ऑफ क्वालिटी ये बोला जाता है चंद्रमा को। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि सी ऑफ क्वालिटी किसको बोला जाता है, ये चंद्रमा को बोला जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, फिर ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो लिखिए, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी, औसत दूरी मतलब एवरेज डिस्टेंस कितना है, ये आप ध्यान रखिएगा, थ्री है, ये आप ध्यान रखिएगा, 384 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ अप्रोक्सीमेट इसको फोर पे भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये चंद्रमा तो मून हो गया, और ये हो गया मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतने किलोमीटर है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक, इतने किलोमीटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब जो चंद्रमा यानी मून की जो लाइट है, मून की जो लाइट है पृथ्वी यानी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, यह आप जान लीजिएगा, 1.3 सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कितना टाइम लगता है, ये मून यानी चंद्रमा की जो किरणें लाइट है पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक, अब फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा खगोलीय, नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा कि कौन सा खगोली, खगोली कौन सा खगोली, कौन सा खगोली पिंड की रानी कहलाता है, पिंड की रानी कहलाता है। ये जो है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसमें सिंपल से पूछेगा कौन सा खगोली पिंड की रानी कहलाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यानी मून। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को ज्यादातर आप टिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, अब चंद्रमा यहां तक तो बात खत्म हो गई, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, कितने दिनों में लगाता है, तो ये जो लिख लीजिएगा लगभग यानी अप्रोक्सीमेट लगाया जाता है 27.3 डेज,
27.3 डेज। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये लगभग 27 तो है, लेकिन 3 का क्या मीनिंग होता है, 3 से कुछ भी लेना देना नहीं है कि अप्रोक्सीमेट 27 या 28 ऑप्शन दिया रहेगा, बस इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितने गुना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया 1/6 गुना।